मसूरी के लाइब्रेरी बस स्टैंड पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी बुरकुल रोपवे के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा 6 दुकानों को 15 दिनों में खाली करने के नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, जिस पर दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी के साथ बैठक की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में लाइब्रेरी बस स्टैंड के 6 दुकानदारों के पक्ष में कई जनप्रतिनिधि भी उप जिलाधिकारी कार्यालय गए और कहा कि कोई भी विकास पर विरोधी नहीं है, लेकिन जब तक 6 दुकानदारों को विस्थापित नहीं किया जाता, दुकानें नहीं तोड़ने दी जाएंगी और अगर प्रशासन ने जबरदस्ती की तो कड़ा विरोध किया जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। बैठक इनके द्वारा नहीं बुलाई गई, बैठक हमारे द्वारा बुलाई गई कि हम लोग गए, जब मुझे पता चला कि एसडीएम साहब वहाँ दौरे पे थे, अपना मुआयना कर रहे थे, मुझे पता चला, तो फिर जब मैंने बात की वहाँ नायब साहब से, फिर हमने बात की कि एसडीएम साहब बात क्यों नहीं करना चाह रहे हमसे, फिर एसडीएम साहब ने बुलाया कि आप लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ बात करेंगे, यहाँ हमारी वार्ता हुई है। अभी वार्ता कुछ संतोषजनक भी नहीं है, कुछ है भी, मगर जब तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया तब तक हम इसको दुकान को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे आंदोलन का रूप लेना पड़े। प्रशासन हमें जो प्रशासन कहता है कि ये टूरिज्म विभाग की जमीन है, जबकि नगर पालिका द्वारा हमें नोटिस दिया गया, 28 तारीख को हमें नोटिस दिया गया, उसमें 15 दिन का समय, इनको इतनी क्या जल्दी कि इसको अभी 2-4 दिन में तोड़ना पड़ रहा है। तो हमारा ये कहना कि पहले आप हमारे दुकानों का विस्थापन करो, हमारे को टैक्सी यूनियन का ऑफिस दो, गाइड यूनियन का ऑफिस दो, आप तोड़ो। जिस दिन ये यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट जो बोल रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट मसूरी के लिए बन रहा है, उसमें आप हमें लिख के दे दो कि इसमें तुम्हें जगह मिलेगी, पार्किंग मिलेगी, ऑफिस मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेगी, तो हम उसमें तैयार हैं, मगर जब तक कोई रिटर्न में नहीं होगा तब तक इसमें हम तैयार नहीं। ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर तो एसडीएम साहब का है, डिक्टेटरशिप चल रही है। कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं, हमारे पे केवल एक नोटिस दिया गया, उसको नोटिस नहीं दिया कि आपकी जो है जो किराएदारी वो समाप्त की जा रही है, उसमें ये आज मीटिंग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। आज से 2-3 वर्ष पूर्व शिवन कोर्ट को इसी तरीके से इसी प्रकरण में तोड़ दिया गया था। आज तक शिवन कोर्ट के हमारे निवासियों को विस्थापित नहीं करा गया है, उन्हें झूठे समझौतों के नाम पर, चाहे वो हंस फाउंडेशन से हो, सरकार से हो, चाहे नगर पालिका से हो, झूठे आश्वासन दिए गए। और आज ये नीति हमारे 6 व्यापारियों के साथ हो रही है, इसमें 3 से 4 दुकानदार हैं, एक गाइड यूनियन का ऑफिस है, एक टैक्सी यूनियन का ऑफिस है। हम बहुत ही शर्मिंदा है नगर पालिका की इस प्रणाली पर, प्रशासन के इस कदम पर और शासन के ऐसे आदेशों पर। शासन को सोचना चाहिए कि मसूरी के व्यवसायियों के बारे में, निवासियों के बारे में पहले विस्थापित करें। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ भी रहा है तो उनको पूर्ण रूप से समस्त व्यापारियों को, निवासियों को विस्थापित कर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए। ये एक नई रीत जो शुरू हुई है 4 साल में कि उखेड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, अतिक्रमण के नाम पर, प्रोजेक्टों के नाम पर, सरकार के आदेशों के नाम पर, डीएम साहब के ऑफिस आदेशों के नाम पर, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आज से 4 दिन पूर्व पहले नगर पालिका ने 15 दिन का नोटिस दिया कि 15 दिन का समय है, आप खाली कर लीजिए, और आज एकाएक एसडीएम साहब द्वारा मौका मुआयना करते हुए धमकाया गया है कि कल या परसों में हम दुकानें तोड़ देंगे, जो सरासर गलत है। जनप्रतिनिधियों द्वारा, न्यायाधीश द्वारा ऐसी अन्याय की बात करना बहुत ही संगीन है, बहुत ही बुरा लगता है हमें सुनते हुए, देखते हुए कि मसूरी और उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है वो इस कदम में बढ़ रहा है। शर्मिंदा होते हैं हम अपने व्यापारी भाइयों को उत्पीड़न देखकर, लेकिन इस बार हम आवाज़ उठा के रहेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, और जल्द से जल्द पहले विस्थापन की बात करेंगे, तब उजाड़ने की बात करेंगे। कि किसी भी वक्त ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें 15 दिन का टाइम दे दिया गया है पहले, तो एकदम से कैसे हो सकता है कि आज या कल में हो सकता है? कम से कम जो नगर पालिका का जो ईओ साहब हैं, जब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है हमें, तो 15 दिन तो कम से कम हम ये रहना चाहिए भाई, 15 दिन तक हमें कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद जो भी हो सकता है, चाहे हम कोर्ट जाएँ या कहीं भी जाएँ, इस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं या कुछ भी है। लेकिन अब ये प्रशासन है या नगर पालिका का कुछ है कि जो कि मतलब एकदम से कभी भी हो सकता है, तो अब जो ये आश्वासन दे रहे हैं हमें, इसमें तो हम बिल्कुल भी कोई वो नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते नहीं कि भाई ठीक है, अगर मसूरी में कोई विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, विकास के लिए हम भी कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन कम से कम जो है, जब आप हमारी ज़मीन हमसे निकाल रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कहीं ना कहीं पर एक ठिया बना दिया जाए। अब जहाँ तक उसका सवाल है, अब तुम कहीं पर किसी चीज़ को अगर उजाड़ते हो तो उसको बसाने का काम भी आप ही का है, ऐसा नहीं कि आप किसी को जो है, किसी गरीब आदमी या किसी भी कोई परिवार वाला है, कोई गाइड ऑफिस है, टैक्सी ऑफिस है, सारी चीज़ें, तो ये जो पहले वालों ने जब हमें दिया गया है तो किसी उसके लिए दिया हो गया होगा कि भाई इनका कुछ काम है, ये नहीं कि भाई
हम आज से करीब इस बात को 24 से 25 साल हो गए हैं जहाँ से, जबकि हम कंप्लीट किराया दे रहे हैं नगर पालिका का, तो हमारा कुछ ना कुछ तो वो बनता है भाई, नगर पालिका का भी फर्ज बनता है कि हमें कहीं वहाँ से उठा के कहीं और जगह भी जो है हमें व्यवस्था किया जाए।